हैं। रुक करेंगे तमिलनाडु का, जहां जारी सियासी विवाद के बीच राज्यपाल मुंबई से चेन्नई के लिए रवाना हो गए हैं। राज्यपाल सी विद्यासागर राव शाम 4 बजे तक चेन्नई पहुंचेंगे। AIADM के महासचिव शशिकला शाम को राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक गवर्नर के सामने विधायकों की परेड करा सकती हैं शशिकला। और आज शाम 6 बजे कार्यवाहक CM पनीरसेल्वम भी राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में AIADM के विधायकों को ठहराया गया है। और इस बीच तमिलनाडु के DGP TK राजेंद्रन ने पनीरसेल्वम से उनके घर पर मुलाकात की और शशिकला ने पुडुचेरी के पूर्व विधायक ओम शक्ति शेखर को AIADMK से निकाल दिया। कार्यवाहक CM पनीरसेल्वम ने दो बैंकों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि उनके निर्देश के बिना किसी भी तरह का लेन देन न किया जाए, क्योंकि वो अभी भी पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं। पनीरसेल्वम ने कहा कि वो इस्तीफा वापस लेने को तैयार हैं। अम्मा की बीमारी पर उठे सवालों की जांच के लिए आयोग बनाएंगे। मुंबई से राज्यपाल विद्यासागर राव चेन्नई के लिए रवाना हो गए हैं। और मुंबई से आइए अब आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता राकेश त्रिवेदी की रिपोर्ट। सी विद्यासागर राव जो है इस वक्त मुंबई के राजभवन से यहाँ से निकल चुके हैं। उनका ये काफिला जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पर, फिलहाल जो है गवर्नर अब मुंबई एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए हैं और बताया जा रहा है कि दोपहर को जो है ये चेन्नई पहुँचेंगे और चेन्नई में जाने के बाद इनकी मुलाकात ओ पनीरसेल्वम और शशिकला इनके साथ हो सकती है और तमिलनाडु का आगे का भविष्य क्या है उस पर चर्चा हो सकती है। कैमरा पर्सन अरिंदम के साथ राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, मुंबई। तो तमिलनाडु में आज क्या क्या हो सकता है, ये जो संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं उन पर हम नज़र डाल लेते हैं। शशिकला गवर्नर के सामने 130 विधायकों की परेड करा सकती हैं, क्योंकि उनकी ओर से दावा किया जा रहा है कि 130 विधायक उनके साथ हैं। और कल ये जानकारी मिली थी कि इन 130 विधायकों को बस में बिठाकर एक होटल में ठहराया गया था। वहीं दूसरी ओर पनीरसेल्वम अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए कह सकते हैं। शशिकला के शपथ ग्रहण को टालने की वो अपील कर सकते हैं। आपको बता दें कि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, तो उनकी ओर से अपील हो सकती है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक शपथ ग्रहण को टाल दिया जाए। और इस बीच DMK नेता कनिमोई ने तमिलनाडु में चल रहे सियासी घमासान पर कहा है कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है और DMK का इसमें कोई दखल नहीं है। DMK is definitely not getting involved into their inner party politics, and you can be very sure of that. Our working president has made it very clear that we will support the government only on issues. और आज गवर्नर विद्यासागर राव शशिकला और पनीरसेल्वम दोनों से मिलेंगे, तो आज उनके पास क्या विकल्प हैं, क्या ऑप्शंस हैं, वो हम आपको बता दें। पहला विकल्प ये है कि वो शशिकला को बहुमत साबित करने के लिए कहें, और ये भी हो सकता है कि वो पनीरसेल्वम को बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं। पनीरसेल्वम की ओर से दावा किया जा रहा है कि लगभग 50 से ज़्यादा विधायक उनके साथ हैं, और वहीं शशिकला गुट की ओर से दावा किया जा रहा है कि 130 विधायक उनके साथ हैं। और पनीरसेल्वम की ओर से ये भी कहा जा सकता है कि राज्य में संवैधानिक संकट का हवाला देकर विधानसभा भंग कर राष्ट्रपति शासन की मांग की जा सकती है। Therefore, I think the governor, in my opinion, should actually take a call today. He has to take a call one way or the other. See, he has to either invite Shashikala. And or he has to ask Paneerselvam to go and prove his majority. Okay. And he can't actually once again actually permit Mr. Paneerselvam to withdraw his resignation, which has been accepted. और शशिकला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है। आय से अधिक संपत्ति मामले में सह आरोपी हैं शशिकला। जयललिता के 50 करोड़ से ज्यादा के संपत्ति मामले में सह आरोपी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था। सुप्रीम कोर्ट, हम आपको बता दें, अगले हफ्ते तक अपना फैसला सुना सकता है। शशिकला दोषी पाए गई तो मामले में 2 साल तक की सजा संभव है। 2 साल से ज्यादा की सजा पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगी हुई है। शशिकला CM बनी तो 6 महीने के अंदर चुनाव जीतना उनके लिए जरूरी होगा। फैसला शशिकला के विरोध में हुआ तो उनका CM बनना मुश्किल हो जाएगा।
और जानकारी के लिए रुक करेंगे चेन्नई का, जहां से हमारे संवाददाता प्रसाद भोसकर हमारे साथ हैं। प्रसाद, दोनों ही गुटों की ओर से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, विधायकों के समर्थन की बात कही जा रही है और सबकी नजरें अब टिकी हुई हैं कि राज्यपाल ऐसे में क्या करेंगे। क्या वो मौका देंगे पनीर सेल्वम को या वो मौका देंगे शशिकला को कि वो अपना बहुमत साबित करें? क्या संभावनाएं बनती हुई वहां पर नजर आ रही हैं? और विधायकों के सपोर्ट की बात करें तो अब ग्राउंड रियलिटी वहां पर क्या है? मीमांसा, अगर विधायकों की सपोर्ट की बात की जाए तो अभी भी शशिकला के पास ही नंबर्स हैं और पनीरसेल्वम के पास केवल 5 विधायक हमने देखे हैं। कल से हम यहीं पर हैं और 5 विधायक देखे हैं, एक राज्यसभा एमपी है। लेकिन जो कॉन्फिडेंस पनीरसेल्वम या फिर उनके ग्रुप वाले दिखा रहे हैं, जब शक्ति परीक्षण होगा फ्लोर ऑफ द हाउस पर तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली में, तब इनका कहना है कि जो मेजॉरिटी है वो इन्हीं को होगी, लेकिन वो अभी नजर नहीं आ रही है। लेकिन जो फोकस है फिलहाल वो राज्यपाल पर है, सीएच विद्यासागर राव पे, जो कि कुछ ही देर बाद चेन्नई में लैंड करेंगे। वो जो है पनीरसेल्वम के साथ मिलेंगे ही, साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि 5 बजे के करीब शशिकला भी उनसे मिल सकती हैं और बाद में गवर्नर भी एमएलएस के साथ 1 बाय 1 मिल सकते हैं, उनकी राय जानेंगे। लेकिन जो सूत्र हमको बता रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट बता रहे हैं कि गवर्नर को रूल बुक के साथ ही जाएंगे और पूरा असेस करने के बाद ही एक निर्णय लेंगे। लेकिन उससे पहले सभी विधायक, सभी जो है जो फैक्शन से, उनसे मिलेंगे और कानूनी राय भी लेंगे। मीमांसा, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए प्रसाद आपका। तो कहीं ना कहीं अगर नंबरों की बात की जाए तो जरूर यहाँ पर अलग थलग कुछ पड़ते हुए नजर आ रहे हैं पनीर सेल्वम।